सेलिब्रिटी स्टार में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम आए हैं थिंक इज पटियाला के अंदर, पटियाला पंजाब में, आप सब लोगों के बीच में। आज हमारे पास है ब्रांड न्यू BS6 कार, जिसका काम हिंदुस्तान में सबसे पहली बार आज हम करने जा रहे हैं अपने KMD DP5 की मदद से, जिसका अपडेट आप सब लोगों के टूल में ऑलरेडी आ चुका है। आज हमारे साथ हैं अमरिंदर सर। अमरिंदर सर सिंह लॉक पंजाब से हैं। तो अमरिंदर सर, आपका जो ये काम है BS6 का, ये आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब ये, और हमारा काम बिल्कुल सक्सेसफुली हो चुका है। तो अभी जो हमने कोड रीड किया, वो फटाफट जो है वो हमारा कोड रीड हो गया। पर कोड रीडिंग का जो प्रोसेस है, अगर आपका कोड जल्दी रीड हो रहा है तो जल्दी रीड हो जाएगा। बट अब जो नया फंक्शन आया है ऑप्टिमाइज्ड कोड रीडिंग का, ऑप्टिमाइज्ड कोड रीडिंग के फंक्शन में आपका प्रोसेस जो है वो फास्ट हो गया है। तो अभी हम अपनी गाड़ी के अंदर जाएंगे। गाड़ी के अंदर एंटर होने के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट की है, ये हमारी सेकंड की है, और दोनों चाबियों से हम जो है वो अपना इग्निशन स्टार्ट करके चेक करेंगे। अभी हमारे पास ये फर्स्ट चाबी है, इससे हमने इग्निशन ऑन किया। फर्स्ट चाबी से हम चेक करते हैं कि हमारी इंजन की लाइट अभी ब्लिंक कर रही है। फर्स्ट चाबी से हमारी इंजन की लाइट भी ब्लिंक कर रही है, हमारी चाबी की लाइट भी ब्लिंक कर रही है। अभी हम अपनी सेकंड चाबी को देखेंगे। सेकंड चाबी से हम देखते हैं क्या हमारी इंजन की लाइट और चाबी की लाइट ब्लिंक कर रही है। तो सेकंड चाबी से भी हमारी चाबी और इंजन दोनों की लाइट ब्लिंक कर रही है। अभी हम अपने KMD DP5 का जो नया अपडेट आया है हमारा 32.40 वाला फंक्शन, अभी हमने उसको ऑलरेडी अपडेट कर लिया है। बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर पे इस पोजीशन के अंदर आपको OBD कपलर मिलता है। बॉटम राइट कॉर्नर पे OBD कपलर कनेक्ट होने के बाद हम जाएंगे अपने KMD DP5 में। KMD DP5 के अंदर जाने के बाद हम DP के अंदर जाएंगे। DP के अंदर जाने के बाद हम देख सकते हैं हमारे पर डिस्क्लेमर आ गया, इसको स्क्रॉल अप करके हम एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद हम पर्सनल सेंटर में जाके चेक करते हैं कि ये जो डिवाइस है, ये अमरिंदर जी का डिवाइस है जो हमारे सिंह लॉक पटियाला से है। आज हम पटियाला पंजाब की रॉयल सिटी के अंदर है, जिसके अंदर आज हम ये थार BS6 बनाने जा रहे हैं। सो टुडे विद हेल्प ऑफ आर KMD DP5 एंड KMD DP+, वी आर गोइंग टू प्रोग्राम आर Thar BS6, in which we will do emo synchronize also and add key also without ECU code. तो अभी emo synchronize करने के लिए तो हमारे को ECM का भी कोड लगता है, हमारे को emo का भी कोड लगता है, पर add key करने के लिए हमारे को कोई भी emo का ECM का कोड नहीं लगता, सिर्फ immobilizer के कोड से हम कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हमारी गाड़ी अभी इमोबिलाइजर स्टेट के अंदर है। तो इमोबिलाइज स्टेट के अंदर हम 32.40 जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है उसमें जाएंगे। हमारा VCI अपग्रेड होगा, ऑथराइज होगा। बैटरी वोल्टेज हमारी पूछ रहा है, बैटरी वोल्टेज हमारी बिल्कुल ओके है। हम BS6 में जाएंगे, फिर ब्लेड में जाएंगे। ब्लेड में जाने के बाद हम थार के अंदर जाएंगे। थार के अंदर जाने के बाद आप सब लोगों के बीच में एक ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आपके पास इरेज DTC, EMS ECU अनलॉक, इमो ECU, प्रोग्रामिंग की अगर हम देखते हैं तो हमारे को 2 की विदाउट ECU पिन कोड का ऑप्शन भी मिलता है, जो ऑप्टिमाइज की प्रोग्रामिंग है। इमो सिंक्रोनाइज, फिर उसके बाद आपको ये प्रोग्राम की में 2 की लिखा है, इसका मतलब ये नहीं आपको 2 की लगानी ही है, आपको ऑल की लॉस्ट में अगर 1 की भी प्रोग्राम करनी है तो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इमो सिंक्रोनाइज रीड इमो ECU पिन कोड, आप रीड इमो ECU पिन कोड भी बहुत इजीली कर सकते हो बहुत कम टाइम के अंदर। अभी हम एस्केप कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसका इमो का पासवर्ड और ECM का पासवर्ड रीड कर चुके हैं। रीड करने के बाद हम इमो सिंक्रोनाइज के अंदर जाएंगे। आफ्टर गोइंग इन टू इमो सिंक्रोनाइज वील डू 1 की। एक चाबी ऑलरेडी हमने अपना इग्निशन ऑन कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी चाबी की लाइट भी ब्लिंक कर रही है, हमारी इंजन की लाइट भी ब्लिंक कर रही है। अभी हमारे से इमो का कोड मांग रहा है, तो हम इमो का कोड डालेंगे 8276। 8276 के बाद ECM का कोड तो 7F04। फिर हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो आज अमरिंदर सर आपको कैसा लग रहा है ये काम करके? आज आपके पटियाला के अंदर आप ही की दुकान पे आपके पास आई हुई ब्रांड न्यू गाड़ी जो है वो हम प्रोग्राम कर रहे हैं थार। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमको इतनी जल्दी में काम हो गया था, नहीं BS6 का गाड़ी का काम हो रहा है भाई साहब, इससे ऊपर क्या चाहिए, इतना फास्ट काम जो हो रहा है हमारा। अभी हमारी कम्युनिकेटिंग जो है वो चालू हो गई है और ये अपडेट आप सब लोगों के टूल में ऑलरेडी आ चुका है, बिल्कुल कमिंग सून नहीं है। आप सब लोग अपना टूल अपडेट कर सकते हैं और जल्द से जल्द अपने टूल को अपडेट करके आप अपनी महिंद्रा BS6 थार को KMD DP5 और KMD DP+ की मदद से बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अभी ये कम्युनिकेटिंग चल रहा है।
अभी रेजिंग डीटीसी हो रही है, प्रोग्रामिंग हमारी हो गई सक्सेस। सो वी हैव सक्सेसफुली प्रोग्रामड आर थार BS6 2022 मॉडल विच इज ब्रांड न्यू एंड नाउ वी विल टर्न ऑफ द इग्निशन फॉर 2 मिनट्स। उसके बीच में हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत ईजीली हो गया, पर ये जो हमारी सेकंड की है इसका क्या, इसको हम कैसे प्रोग्राम करें? इसके लिए हम विदाउट ECU कोड प्रोग्रामिंग करेंगे अपनी दोनों चाबियों को और की प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर आपके पास ऑल की लॉस्ट में या ऐड की के केस में गाड़ी आती है और वो अगर गाड़ी इमोबिलाइज नहीं है तो आपको इमो सिंक्रोनाइज करने की कोई नीड नहीं है। आप अपनी ऑप्टिमाइज्ड की प्रोग्रामिंग में विदाउट ECU कोड बहुत ही इजीली अपनी दोनों चाबियों को प्रोग्राम कर सकते हो, एक चाबी को प्रोग्राम कर सकते हो। अभी हम चेक करते हैं हमारी चाबी जिससे हमारा इमो सिंक्रोनाइज हमने किया था। अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी इंजन की और चाबी की दोनों की लाइट जो है वो चली गई है और अभी हम इस गाड़ी के अंदर सेल्फ मारेंगे। कार भी हमारी सक्सेसफुली स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं RPM भी हमारा ऊपर जा रहा है। तो आज हमने KMDDP5 की मदद से, और सबसे बड़ी बात ये KMD का कोई डेमो डिवाइस नहीं है, आप सब लोगों की जैसे अमरिंदर सर का ये डिवाइस है जिसकी मदद से हमने ये काम किया है। क्यों अमरिंदर सर? बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब, इतनी जल्दी में काम हो रहा है, और क्या चाहिए हमें? अभी हम जो है वो अपनी सेकंड चाबी को प्रोग्राम करेंगे, जो करेंगे हम अपने KMDDP5 की मदद से विदाउट ECU कोड। तो अभी हम देखते हैं हमारी सेकंड चाबी जो है वो ब्लिंक कर रही है या नहीं ब्लिंक कर रही। तो हमारी सेकंड चाबी अभी ब्लिंक कर रही है जैसे कि हम देख सकते हैं। तो सेकंड चाबी को प्रोग्राम करने के लिए पहले हम ब्लिंक करने वाली चाबी को बाहर निकाल लेंगे एंड देन वील एंटर आर की विच इज नॉट ब्लिंकिंग राइट नाउ विच इज प्रोग्राम्ड राइट नाउ। तो अभी हमने इसको डाल दिया, हमारी चाबी की और इंजन की लाइट दोनों नहीं आ रही एंड नाउ हम एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद हम एक बार DTC जरूर इरेज कर लेंगे। बहुत ही इजीली हमने DTC को इरेज कर लिया। आप चाहो तो आप EMS अनलॉक भी कर सकते हो 7F04, ये हमारा ECU का कोड है। आप बहुत ही इजीली अपना जो है वो EMS ECU अनलॉक कर सकते हो, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, नीडेड नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं। अभी हम प्रोग्राम की के फंक्शन में जा रहे हैं और 2 की विदाउट ECU पिन कोड के अंदर हम काम करेंगे। जैसे ही हम जाएंगे हमारे को ये बोलेगा 4 डिजिट का ईमो का कोड डालो, तो 8276 हमारे इमोबिलाइजर का कोड है, हम वो एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हम फिर दोबारा एंटर कर देंगे, इग्निशन ऑन बोल रहा है, हमारा इग्निशन ऑलरेडी ऑन है। इग्निशन ऑन के बाद हम फिर दोबारा एंटर प्रेस कर देंगे। सेकंड चाबी हमारी हाथ में है, जब हमारे से बोलेगा सेकंड चाबी को रिप्लेस करने के लिए विल रिप्लेस द सेकंड की टू। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर आर KMDDP5 टू कम्प्लीट दी प्रोसेस। कम्युनिकेटिंग हमारी स्टार्ट है, प्रोसेस हमारा स्टार्ट है। अभी हमारा फर्स्ट चाबी जो है वो सक्सेस हो चुकी है, व्हील प्रेस एंटर, वो पूछ रहा है प्रोग्रामिंग सक्सेस, वेदर टू प्रोग्राम द नेक्स्ट वन, यस प्रेस करेंगे। अपनी चाबी को बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद अपनी सेकंड की जो हमारी प्रोग्राम नहीं है इसको अंदर डालेंगे। अंदर डालने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे, कम्युनिकेटिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी, प्रोग्रामिंग सक्सेस विद इन सेकेंड्स। तो अभी हम इग्निशन को ऑफ कर लेंगे, इग्निशन को ऑफ करने के बाद हम वेट करेंगे फॉर 2 मिनट्स। ये 2 मिनट के लिए भी वेट करने के लिए हमारे को वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं, बट स्टिल वी शुड वेट कि हमारा जो भी प्रोसेस है वो सही तरीके से आ जाए। अभी हम चेक करते हैं हमारी सेकेंड की से हमारी इंजन की और चाबी की लाइट दोनों चली गई, बहुत ईजिली हमारा काम हो गया। अभी हम अपने इग्निशन को स्टार्ट करेंगे, हमारी गाड़ी सक्सेसफुली स्टार्ट हो गई विद इन सेकेंड्स। अभी हम फिर दोबारा अपने रेस पेडल को प्रेस करेंगे, रेस पेडल को प्रेस करने के बाद हमारी गाड़ी जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है। ये चाबी तो हमारी सेकंड चढ़ गई, अब जो है हमारी फर्स्ट चाबी पहले से चढ़ी हुई थी, ये तो कहीं नहीं उतर गई। सो नाउ लेट्स द फर्स्ट की ऑल्सो। फर्स्ट की से इग्निशन ऑन करने के बाद हमारी इंजन की और चाबी की दोनों की लाइट सक्सेसफुली चली गई। तो आज हमने अपने KMDDP5 की मदद से, अमरिंदर सर पटियाला सिंह लॉक की मदद से बहुत ही ईजिली करा है अपना काम, महिंद्रा BS6 थार का। तो सर बताओ आपको काम करके कैसा लग रहा है? आप ही के टूल से काम हुआ सर? बिल्कुल मेरे टूल से काम हुआ सर जी। आपके टूल में अपडेट आया और सभी के टूल में अपडेट ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी ये जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी है। सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर एक और है
कि आपके पास इमो ईसीयू प्रोग्रामिंग का भी अपडेट है, जिसकी मदद से आप इस गाड़ी के अंदर नया इमोबिलाइजर भी प्रोग्राम कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अभी KMD DP5 के अंदर आप सब लोगों के बीच में महिंद्रा BS6 थार का अपडेट भी आ चुका है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द अपनी KMD DP5 को अपडेट कर लीजिए और महिंद्रा BS6 की थार के अपडेट को एंजॉय कीजिए। तो आज हमने अपने KMD DP5 और KMD DP+ की मदद से और अमरिंदर सर जो सिंह की पटियाला से हैं, द रॉयल सिटी ऑफ पटियाला के अंदर महिंद्रा BS6 2022 मॉडल थार के अंदर इमो सिंक्रोनाइज भी किया और आज हमने ऐड की विदाउट ECU कोड भी किया। तो आज आप सब लोगों के टूल में ऑलरेडी ये अपडेट आ चुका है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द अपने टूल को अपडेट कर लीजिए और अगर अभी आपका टूल का अपडेट एक्सपायर हो गया है तो जल्द से जल्द अपने टूल को अपडेट करवा लीजिए और KMD के नए नए अपडेट्स और सर्विस की सुविधा और लाभ पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Please do hit the like button, share the video, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you, धन्यवाद, जय हिंद।